हेलो एवरीवन, आज हम आकाश कंदील बनाना सीखेंगे। आज हम पेपर कंदील बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कलर का चार्ट पेपर यूज किया है। इसे मैंने A4 साइज में कट किया है। कट करने के बाद में मैं यहाँ पर एक कलर को सेंटर से फोल्ड करते हुए इसको प्रेस किया है। यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्क किया है, जिधर से ओपन साइड है हमें इसे यहाँ पर मार्क करना है। और यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर पर पूरे चार्ट पेपर में अपने मार्क किया है। अब हम इसको सीजर से कट करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्यूरेट आने के लिए 1 सेंटीमीटर के गैप पर इसको मार्क किया है। ध्यान रखिए, हमें पूरा नीचे तक नहीं कट करना है, जो हमने 1 इंच पर मार्क किया है वहाँ तक हमें कट करना है। अभी हमारी फ्रिल्स यहाँ पर कट हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे और जो हमने दूसरा अपना पिंक वाला चार्ट पेपर लिया है उसके ऊपर हम इसे स्टिक करेंगे। यहाँ मैंने दोनों तरफ ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का गैप किया है। आप इसे चाहे तो स्टेपल कर ले और चाहे तो आप फेविकोल यूज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर स्टेपल यूज करके आपको बता रही हूँ। ये मैंने अभी दोनों तरफ से इसको स्टेपल कर दिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ से हम इसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम इसे सेंटर से स्टिक करेंगे और ऊपर की तरफ में वापस इसे स्टेपल से पंच कर नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए। यहाँ मैंने एक स्मॉल स्क्वायर पेपर लिया है, इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। रिपीट करते हुए फोल्ड करते किया है मैंने। यहाँ मैं ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 1/2 इंच गैप करते हुए मैं इसे स्ट्रेट कट कर रही हूँ। ऐसा मैं इसे एंड तक करूंगी। यहाँ ये हमारा कट हो गया। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये हमारी स्क्रिप्ट की फ्रिल इसमें बन गई है। यहाँ जो ये हमने अपना कैंडल बनाया था इसके अंदर मैं नीचे की तरफ इसे ऐसे स्टिक करूंगी। यहाँ मैंने इसमें फ्रिल स्टिक कर दी है। यहाँ मैंने 2 कलर यूज किए हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए भी मैं यहाँ पर स्टेपल यूज कर रही हूँ। यहाँ मैंने कंडील के अपर एंड लोअर साइड फेविकोल लगाया है। अभी हम इसके ऊपर यहाँ पर मैं स्पार्कल डस्ट लगा रही हूँ। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर लगा सकते हैं। यहाँ ये हमारा कंडील बनकर तैयार है।